पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में उथल पुथल मची हुई है। एक ओर ईरान से जंग की आशंका बढ़ती जा रही है तो दूसरी ओर सियासी जंग भी परवान पर है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग अपने मुल्क के नए पीएम के लिए 8 फरवरी को वोटिंग करने वाले हैं। हालांकि चुनाव तय तारीख पर होंगे या नहीं ये अब तक साफ नहीं है, इसकी भी दो वजहें मानी जा रही हैं। पहली वजह तो मानी जा रही है कि आम चुनाव को लेकर पाकिस्तान की कई पार्टी और उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव चिन्ह बदलने की मांग की है। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने भी चेतावनी दी है कि अगर चुनाव चिन्हों को बदलने की प्रक्रिया नहीं रुकी तो आम चुनाव में देरी हो सकती है। पाकिस्तान चुनाव पर असमंजस की दूसरी वजह ईरान से बढ़ता तनाव माना जा रहा है। बीते 48 घंटे पाकिस्तान और ईरान दोनों देशों के लिए मुश्किल भरे रहे हैं। ईरान ने मंगलवार रात को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आतंकवादी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों पर हमला बोला। इसमें 2 बच्चों की मौत हो गई। पाकिस्तान ने ईरान के हमले का जवाब 24 घंटे बाद ही दे दिया। पाकिस्तान की वायुसेना ने ईरान के सरवन शहर में एयर स्ट्राइक किया और 7 आतंकियों को ढेर करने का दावा किया। एक और जहां सिंबल बदलने की मांग से पाकिस्तान में चुनाव टलने की आशंका बढ़ती जा रही है तो दूसरी ओर ईरान को करारा जवाब देकर पाकिस्तानी सेना अपना भी हित साधने में जुट गई है। ईरान पर जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तानी सेना एक तीर से 2 निशाना साधने की फिराक में। पहला तो ईरान को जवाब देना था ही, साथ ही साथ इस पलटवार से सेना अपनी इमेज सुधार कर अपना सियासी उल्लू भी सीधा करना चाहती है। बता दें कि पाकिस्तानी सेना इमरान को साइडलाइन कर नवाज शरीफ के समर्थन की भी तैयारी में है। इसके लिए पाकिस्तानी सेना को थोड़ा और वक्त भी चाहिए। ऐसे में ईरान से बढ़ते तनाव का हवाला देकर सेना पाकिस्तान की चुनावी जंग की तारीख को थोड़ा आगे करना चाहेगी। We'll be right back.